ओके okay गाइस तो चलो अब आ, सारे इलेक्ट्रोलाइट की एक समरी बनाते हैं समरी से आपके एग्ज़ाम में कई सारे आपके क्वेश्चन आएंगे तो औ, मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार औ, मेरे बनाने के बाद खुद से बनाएं सो बेसिकली हाँ मैं यहाँ पर बात करूँगा कुछ पॉइंट्स की कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रेफरेंस रेंज तो नॉर्मल वैल्यू फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ फिर आपसे क्वेश्चन आएगा ट्रीटमेंट पार्ट से एंड देन दे विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन ईसीजी फाइंडिंग तो जनरली जो नॉर्थ सेट के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछते हैं वो पूछते हैं ईसीजी फाइंडिंग से तो अगर मैं बात करूं कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हमको पढ़ने हैं तो एक एक करके सारे इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे हम तो पहले मैं लिख रहा हूँ हाई पोनेट्रीमियम अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पेशेंट का सोडियम कम है दैट मीन्स हाई और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाई पोनेट्रीमियम सिंपल सोडियम कम है सोडियम ज़्यादा है फिर मैं बात करूँ यहाँ पर पेशेंट का पोटेशियम कम है पोटेशियम ज़्यादा है क्लियर? और अगर मैं बोलूं कि पेशेंट का कैल्शियम कम है और कैल्शियम ज्यादा है इसके अलावा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे वो पूछ सकते हैं मैग्नीशियम से तो मैग्नीशियम कम है और मैग्नीशियम ज्यादा है तो लेटस्ट सी क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे इन इलेक्ट्रोलाइट से अब आ, सोचो क्वेश्चन में क्या पूछेंगे आपसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू तो किसकी क्या क्या नॉर्मल वैल्यू होती है एक बार हम वो देखेंगे तो अगर मैं बात करूँ सोडियम की नॉर्मल वैल्यू तो इसको मैं बोलूँगा इट इज़ इन द रेंज ऑफ वन टू वन अब ये अंडरस्टूड है कि 135 से कम हाइपोनेट्रेमिया 145 से ज़्यादा हाइपो अगर मैं बात करूँ पोटेशियम की नॉर्मल रेंज तो पोटेशियम की नॉर्मल रेंज क्या होगी बताओ मुझे इन दोनों के लिए क्या आंसर होगा इट इज़ इन द रेंज ऑफ थ्री पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट ज़ीरो तो ये भी अंडरस्टूड हो गया थ्री पॉइंट फाइव से कम हाइपर और फाइव पॉइंट ज़ीरो से ज़्यादा हाइपर कैलीमिया फिर अगर मैं बात करूँ कैल्शियम की तो कैल्शियम की जो वैल्यू होती है वो होती है इलेवन टू थर्टीन एलेवन टू थर्टीन और अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम uh, की तो इसकी जो नॉर्मल रेंज आपको याद रखनी है वन पॉइंट एट से टू पॉइंट सिक्स तो ये तो आपको नॉर्मल वैल्यू याद रखनी है पहले एक बार फिर से देख लो हाईपोनेट्रीमिया लेस देन वन थर्टी फाइव हाई मोर देन वन फोर्टी फाइव पोटेशियम थ्री पॉइंट फाइव टू फाइव एलेवन टू थर्टीन कैल्शियम वन पॉइंट एट टू टू पॉइंट सिक्स मैगनीशियम सो ये आपको नॉर्मल वैल्यू याद रखनी है अब वो लॉजिक uh, है अंडरस्टैंड समझ जाओ उसको अब पहले बात करते हैं कि पेशेंट की डेथ कैसे होती है तो अगर मैं बोलूं किसी पेशेंट की डेथ सोडियम के एम्बेलेंस में कैसे होगी तो याद रखना सोडियम के इम्बेलेंस में चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो कॉज ऑफ डेथ विल बी सीजर्स कई बार पेशेंट को सीजर्स के बाद ब्रेन एडिमा हो जाता है मीन्स इट इज़ ड्यू टू सी एन कॉम्प्लिकेशन ब्रेन हारनीशन हो सकता है तो कुछ ना कुछ ब्रेन कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादातर केसेस में क्या दिखेगा सीजर्स दोनों के अंदर अगर मैं बात करूँ हाइपो तो अगर मैं बात करूँ हाइपो कैलीमिया तो अंडरसान दिस थिंग पहले हम हाइपर की बात कर लेते हैं तो इसको देखो ऐसे समझो सोडियम तो क्लियर हो गया अब हाइपर कैलीमिया और हाइपर कैल्सिमिया दोनों हाइपर वालों में दिल खराब होगा तो दोनों हाइपर वालों में दिल खराब होगा मीन्स कॉज ऑफ डेथ विल बी कार्डेकरेस्ट तो हाइपर कैलीमिया में कार्डक्रेस्ट होगा और पेशेंट को हाइपर कैलसीमिया में भी कार्डिक्रेस्ट होगा अगर मैं बात करूं कार्डेकरेस्ट जो हाइपर कैलीमिया में होगा तो आपको याद रखना डैट इज अ डायस्टोलिक कार्डेकरेस्ट डायस्टोलिक कार्डेकरेस्ट सो ये तो हो गया किसका कॉज ऑफ डेथ इन हाइपर कैलीमिया और अगर मैं बात करूं हाइपर कैल्सीमिया की तो हाइपर कैल्मिया में कैसा होता है सिस्टोलिक कार्डेकरिस्ट तो अभी तक आपको डायस्टोलिक सिस्टोलिक नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं याद रखो दोनों हाइपर दोनों हाइपर में सोडियम को भूल जाओ पोटेशियम और कैल्शियम में इट इस कार्डेकरिस्ट देन इफ uh, आई टॉक अबाउट uh, हाइपोकैलीमिया आपको देखो हाइपो केलीमिया में बेसिकली पेशेंट को रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाती है बिकॉज ऑफ डायफ्रामेटिक पॉलिसी सो रेस्परेटरी फेलियर विल बी द कॉज ऑफ डेथ और हाइपोकैल्सीमिया में जो डेथ होती है डेथ लेरेंगो स्पाजम। लेरेंगो स्पाजम। तो हाइपोकैल्सीमिया विल कॉज डेथ ड्यू टू लैरिंगो प्लाजम लैरिंगो प्लाजम सिंपल अब यहाँ तक हम जब आए हैं तो मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं तो अगर मैं बात करूँ पेशेंट का मैग्नीशियम अगर बढ़ा हुआ है अगर मैग्नीशियम बढ़ेगा तो पेशेंट को एसिस्टोल हो जाएगा और अगर मैग्नीशियम कम है अगर मैग्नीशियम कम है तो हाइपो मैग्नीमिया की वजह से पेशेंट को टोरसाइडिस टॉर्साडेस डिपोनटिस एक तरीके का वेंट्रिकुलर अर्जिमिया है सो दैट कैन लीड टू डेथ टॉर्साडेस डिपोनटिस ओके अब देखो ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हाइपो का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है सो so, अगर मैं बात करूं हाइपो का ट्रीटमेंट मींस अगर देखो हाइपो मींस हाइपो ट्रीटमेंट आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछते सोडियम कम है सोडियम दे दो एन दे दिया एन से काम नहीं चल रहा है थ्री परसेंट एन दे दो तो आपको एन देना है पोटेशियम कम है तो आपको के सी एल देना है सिंपल और अगर कैल्शियम कम है तो क्या दोगे आप अगर कैल्शियम कम है तो आप पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे के। कैल्शियम ग्लूकोनेट मैग्नीशियम कम है तो एम जी एस ओ फोर दे दो सिंपल तो देखो जो कम है सोडियम कम है सोडियम दे दो एन एस मीन नॉर्मल सलाइन थ्री परसेंट सलाइन पोटेशियम कम है पोटेशियम दे दो कैल्शियम कम है कैल्शियम दे दो मैग्नीशियम कम मैग्नीशियम दे दो तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं दे आस्क यू क्वेश्चन ऑन हाइपर ट्रीटमेंट अब हाइपर का ट्रीटमेंट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं एंड रिमेंबर दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब देखो हाइपर नेट्रेमिया अगर सोडियम बढ़ा हुआ है अगर सोडियम बढ़ा हुआ है तो आपको क्या देना है आपको डेक्सट्रोज देना है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस विल बी डेक्सट्रोज अगर पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो हम कई सारी चीज़ें देते हैं तो जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट यहाँ पर भी देंगे इसके अलावा जो आपको याद रखना है इंसुलिन इंसुलिन देते हैं बिकॉज इंसुलिन क्या करेगा एक्स्ट्रा पोटेशियम को वापस से सेल में भेज देगा तो वी कैन यूज़ इंसुलिन और जो आपको याद रखना है वो याद रखना है साल ब्यूटामोल इंसुलिन दोनों सेम ही काम करेंगे इंसुलिन एक एक्स्ट्रा पॉलिशियम को ब्लड से वापस से, से सेल में भेजेंगे और अगर मैं बात करूँ हाइपर कैल्शीमिया की तो कैल्शियम ज़्यादा है या तो आप आईवी फ्लूड दे उसको न्यूट्रलाइज़ कर दो या उसको निकाल दो सो वी कैन यूज़ डायोरेटिक और वी कैन यूज आई वी फ्लूड मीन सिंपल आप पेशेंट को एन एस दे दो और अगर मैं बात करूं हाइपर मैग्नीसीमिया की तो यहां पर भी आपको क्या देना है कैल्शियम ग्लूकोनेट तो कैल्शियम ग्लूकोनेट आपको तीन जगह याद करना है यू हैव टू रिमेंबर दिस इन हाइपर मैग्नीसीमिया यू हैव टू रिमेंबर दिस इन हाइपो कैलसीमिया और इन हाइपर कैलीमिया तीनों में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट अब जो मेन चीज़ एग्जाम में आती है ईसीजी सी फाइंडिंग से तो देखो सोडियम इम्बैलेंस में ईसीजी सी चेंजेस उतने क्लासिकल नहीं होते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछते जनरली दे डोंट आस्क यू क्वेश्चन बट दे आस्क यू क्वेश्चन ऑन ऑन अदर इलेक्ट्रोलाइट तो पहले अगर मैं बात करूँ हाइपोकेलेमिया की तो दीज आर नॉट दैट सिग्निफिकेंट इन सोडियम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी लाइन ऑफ हाइपोकैलीमिया अब हाइपो में क्या क्या होगा तो देखो एस टी सेगमेंट का डिप्रेशन होगा मैंने नीचे का एरो बना दिया फिर तो आप देखोगे कि जो टी वे वो भी हो सकता है वो फ्लैट हो जाए सो यू कैन सी अ फ्लैट और इनवर्टेड टी वे फ्लैट और इन्वर्टेड टी वे इसके अलावा आप देखोगे पेशेंट को यू वेव मिलती है यू so वेव से एग्जाम में क्वेश्चन आता है बार बार सो दीज आर थ्री चेंजेस विच यू हैव टू रिमेंबर और अगर मैं बात करूँ हाइपर कलीमिया की अगर मैं बात करूँ हाइपर के की तो जो हमने चेंजेस लिखे इन चेंजेस को आपको उल्टा लिख देना मीन्स जो एस यहाँ पर टी वेव कैसे हो जाएगी टॉल टेंट लाइक टॉल टेंटेड टी वेव अब मुझे बताओ कि अगर पेशेंट का ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पेशेंट का क्यू आर एस कैसा होगा मी वॉट विल बी क्यू आर एस तो क्यू आर एस विल बी वाइड और प्रोलॉन्ग कई बार आप देखोगे कि एक फ्लैट पी वेव मिलती है तो फ्लैट पी वेव देन अगर पोटेशियम uh, ज़्यादा बढ़ गया देन वी कैन सी अ पैटर्न इसको बोलते हैं साइन वेव पैटर्न कुछ इस तरीके का पैटर्न आएगा इसको हम बोलते हैं साइन वेव पैटर्न तो दीज आर चेंजेस वेयर चेंजेस यू कैन सी इन अ पेशेंट विथ हाइपर कैलीमिया ओके नाउ अगर मैं आपको बोलूँ वॉट आर द चेंजेस इन हाइपो कैल्सीमिया तो हाइपो कैल्सीमिया में क्या दिखेगा आपको देखो हाइपो कैल्सियम आप देखोगे कि जो एस टी सेगमेंट होगा वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा एस से टी सेगमेंट प्रोलॉन्ग और अगर आप देखोगे कि जो क्यू टी होगा वो भी प्रोलॉन्ग होगा तो याद रखो कैल्शियम इज ऑलवेज जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कैल्शियम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू टी एंड एस टी क्यू टी एंड एस टी तो आप देखो कि यहां पर कैल्शियम कम है तो क्यू टी प्रोलोंग एस टी प्रोलोंग और रही बात हाइपर में अब इसका उल्टा कर सकते हैं तो उल्टा इसका कैसे होगा अगर मैं बात करूँ हाइपर में तो क्या होगा क्यू टी एंड एस टी दोनों की कैसे हो जाएगी शॉर्टनिंग सो बोथ विल बी हैविंग शॉर्टनिंग सिंपल दोनों की शॉर्टनिंग हो जाएगी फिर अगर मैं बात करूँ कि पेशेंट को मैग्नीशियम कम है अगर मैग्नीशियम कम है तो आप देखोगे मैग्नीशियम हाइपो मैग्नीसीमिया में पेशेंट को टोरसाइडिस हो जाती है अब टोरसाइटिस से पहले आप देखोगे पेशेंट की जो टी वेव होंगे वो थोड़ी सी टॉल दिखेंगी तो यहाँ पर भी आपको टॉल टी वेव मिलेंगी और एस टी सेगमेंट डिप्रेस हो जाएगा एंड लास्टली इफ आई टॉक अबाउट हाइपर मैगनीसीमिया तो यहाँ पर पी आर इंटरवल विल बी प्रोलॉन्ग राइट और जो क्यू आर एस होगा वो वाइड हो जाएगा और अल्टीमेटली आप देखोगे पेशेंट को एक फ्लैट uh, लाइन दिखेगी एस स्टॉल वाली सो दीज आर द चेंजेस विच यू हैव टू रिमेंबर ये आपके एग्जाम में मुझसे लिख कर ले लो कि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर जरूर आएगा सो so एक बहुत इंपॉर्टेंट समरी है ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस एंड राइट दिस इन योर नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समरी आई होप यू एंजॉयड दिस बाय